आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में सेल्स के अंदर सेल्स के जो हम पार्ट पढ़े थे उसमें आज हम गोल्जी अपरेटस पढ़ेंगे। सो गोल्जी अपरेटस पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दूंगा एक फैक्ट्री का, ठीक, कि लाइक एक फैक्ट्री है। सो आई गिव अ सिंपल डायग्राम, ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर एक रीजन जो उनसे है वो चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होगा। मसलन दिस इज़ अ शू फैक्ट्री, दिस इज़ अ शू फैक्ट्री, नहीं जूते बनाने का कारखाना है ये, सही। सो उसके अंदर क्या होगा, एक जगह पे लेदर के ज़रिए यहाँ पे शूज़ बनेंगे। सो यहाँ पे सेंसिस होगी या यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन के बाद वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे स्टोर रूम में, यानी एक दफ़ा जब जूते जूतों के हिस्से बन जाएंगे तो वो किधर आएंगे, स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम में क्या होगा कि वो स्टोर रहेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन यूनिट था, यहाँ पे ये स्टोर रहेंगे, सही। और साथ साथ इनकी बाद में क्या होगी, पैकिंग होगी, यानी इट विल इन्वॉल्व इन पैकिंग भी करेगा, फिर उनकी पॉलिश भी करेगा, पैकिंग पॉलिश, या फिर देखेगा जो फॉल्ट है तो उसको रिमूव भी करेगा, सही। उसके बाद इसने क्या करना होगा, आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। सो देन इट विल बी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द फैक्ट्री, यानी फिर ये फैक्ट्री से बाहर स्टोर्स में जा सकेगा जहाँ पे लोग इसे परचेज करेंगे। तो क्या था कि हमारे पास एक प्रोडक्शन यूनिट था, सही, प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही थी, जहाँ पे मशीनें लगी होंगी। सो वो क्या करेंगे, शूज़ बनाएंगे, शूज़ के पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करके आगे भेजेंगे स्टोर रूम में। स्टोर रूम में क्या होगा, उसकी पैकिंग होगी, उसकी लेबलिंग भी होती है यहाँ पे, सही। लेबलिंग भी एक हम कह सकते हैं इसी का पार्ट है, चीज़ समझ आ रही है, नहीं, इसकी लेबलिंग भी होगी, इसकी पैकिंग भी होगी, इसको पॉलिश भी किया जाएगा, और उसके बाद से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी पैकिंग के बाद अब व्हीकल्स यूज़ होंगे, यानी गाड़ियाँ वगैरह यूज़ होंगी, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही है, बीच में यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है। सो सेल भी एक फैक्ट्री की तरह होता है, ठीक है, अगर हम इस प्रोडक्शन यूनिट को नाम दे दें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर जो मशीनें होती हैं वो उसमें राइबोसोम्स होंगी, जाहिर बात है, राइबोसोम्स भी हम पढ़ चुके हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ चुके हैं, तो राइबोसोम्स इसमें मशीनों का काम करेंगे, ठीक। ट्रांसपोर्ट में वेजिकल्स आते हैं सेल्स के अंदर, ही मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं वेजिकल। स्टोर रूम जो सा है ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, द स्टोर रूम इज़ द गोल्जी अपरेटस, यानी जो चीज़ों का क्या करेगा, एक तो पैकिंग करेगा इनकी, सही, लेबलिंग, यानी इसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, सही, फाइनल प्रोडक्ट फिर बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, सही। सो यानी ये मटीरियल कहाँ से रिसीव करेगा, इट इज़ रिसीविंग मटीरियल फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे मटीरियल सेंड करेगी, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद कहाँ से लाएगी, राइबोसोम्स बनाएंगे, राइबोसोम्स अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं और प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, सही। ये मटीरियल वेजिकल्स में पैक होगा और ये मटीरियल फिर आगे गोल्जी अपरेटस में जाएगा। तो ये एक फैक्ट्री की डायग्राम है, सही। सो सेम इज़ जस्ट लाइक गोल्जी अपरेटस। अब हम मजीद गोल्जी अपरेटस पे जाते हैं, हम पता करते हैं ये होता क्या है, फिर फर्दर हम इसकी स्टडी करें। तो सबसे पहले साइंटिस्ट गोल्जी, ठीक है, यानी गोल्जी साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया इन 1898, यानी 1898 के अंदर ये गोल्जी साइंटिस्ट था, ये जो आदमी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसने इसे डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि यूक्रियाटिक सेल्स, ज़ाहिर बात है ये आप ऑर्गेनेली है तो ये सिर्फ यूक्रियाटिक सेल्स के अंदर होगी, सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर यूक्रियाटिक सेल। तो उसने कहा था कि यूक्रियाटिक सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी झिल्लीदार कह लेंगे अज्जा होते हैं सेल के, जूज होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, यानी दे आर स्टैक्ड, एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, स्टैक्ड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, कि जिस तरह एक तो होता है थैला भरा हुआ, एक थैला जो खाली होता है, ठीक है, खाली थैले की तरह फ्लैटेंड है, सही, स्टैक्ड है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इनके किताब को ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इस स्ट्रक्चर को उसने क्या कह दिया, गोल्जी अपरेटस, इसको उसने क्या कह दिया, ये गोल्जी अपरेटस, यानी अपने नाम से ही उसने इसको लिंक कर दिया,
सो गोल्जी अपैरेटस क्या था, 1898 के अंदर ये जो साइंटिस्ट था जिसके आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है, इसने कहा था कि यूकेरियोटिक सेल्स जो उनसे हैं, जो एडवांस सेल्स हैं, उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, जो कि यानी पिचके हुए हैं, फ्लैटेंड हैं और एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो उसने उसे गोल्जी अपैरेटस का काम किया, और उसने कहा ये गोल्जी अपैरेटस बेसिकली स्क्रीशंस करती हैं। स्क्रीशंस क्या होती हैं, ये सेलुलर एक्सपोर्ट होती है, यानी जो सेल अपनी एक्सपोर्ट करता है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि जी फैक्ट्री एक चीज़ बना के बाहर बेचती है, तो इस तरह सेल्स जो से बहुत सी मटेरियल बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी सेल से बाहर लेके जाते हैं, ब्लड के अंदर आते हैं या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर आते हैं, तो ये सेलुलर एक्सपोर्ट मटेरियल्स बनाते हैं जिसे हम स्क्रीशंस भी कहते हैं। सो ये मोस्टली स्क्रीशंस बनाने में काम आते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, और इनके आपस में इंटरकनेक्शन भी हैं, सो दे आर इंटरकनेक्टेड, यानी एक पॉइंट और हमें नज़र आ रहा है कि दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड स्टैक्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें देखें, अब ये गुब्बारा से निकल रहा है, इसे हम कहेंगे गोल्जी वेजिकल्स, ठीक है, इट विल बी गोल्जी वेजिकल्स। वेजिकल्स अभी हमने पढ़े थे क्या काम करते हैं भला, गोल्जी वेजिकल्स यानी ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये व्हीकल्स का काम करते हैं, जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं ना, गाड़ियों की तरह, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी ले जाने में मदद करेंगे, सेल के अंदर या सेल से बाहर लेके जाने। और ये जो मेम्ब्रेन है ना, जो हम बात करते हैं, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, सिस्टरनाए, ठीक है, ये सिस्टरनाए हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था। अच्छा, तो आप अगर यहीं से अंदाज़ा लगाएं, आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइक कुछ चीज़ें जो सी हैं, मसलन ये जो गुब्बारा है, ये इसके अंदर शामिल हो रहा है और ये गुब्बारा इससे बाहर जा रहा है, यानी ये जो वेजिकल है ये इसके अंदर शामिल हो रहा है, तो यानी इसके साइज़ को बड़ा करेगा, और ये जो वेजिकल है ये इससे दूर जा रहा है, इसके पिंच आउट हो रहा है, जिसे हम बडिंग कह सकते हैं, बडिंग, तो ये बडिंग कर रहा है, नहीं बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि ये इसके अंदर आके इसका हिस्सा बन रहा है, सही, फ्यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये बड बना रहा है, यहाँ पे ये फ्यूज़ हो रहा है आके। सो यानी गोल्जी अपैरेटस में एक साइड से मटेरियल आएगा और दूसरी साइड से जाएगा, क्योंकि हमने इसे क्या कहा था कि इट इज़ अ गैराज हाउस, यानी एक किस्म का स्टोर रूम है, या गैराज, स्टोर रूम ज़्यादा बेहतर है, सो स्टोर रूम है ये, या गैराज हाउस भी, जहाँ पे मटेरियल ला के डाल दिया जाएगा। मसलन यहाँ से मटेरियल कहाँ से आएगा, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल भेजेगा अपना, और वो इनके यानी ये वेजिकल के ज़रिए आएगा, वेजिकल इसके साथ फ्यूज़ होंगे और फिर इसके अंदर स्टोर रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट यानी उसकी पॉलिश होगी, उसकी लेबलिंग होगी, उसके बाद उसमें से दोबारा ये बड आउट हो जाएगा। मसलन अगर यहाँ से हमारे पास पी प्रोटीन आई थी, सो यहाँ पर प्रोटीन बीच में ट्रांसपोर्ट होती इस फेज़ तक आएगी, और यहाँ से ये प्रोटीन बाहर रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, दिस प्रोटीन विल गोइंग टू रिलीज आउट, और ठीक है, ये स्क्रीशंस भी बनाती है इसी तरह, सही। अच्छा, ये जो फेज़ है जहाँ पे ये आके अटैच हो रहे हैं, सही, ये जो फेज़ होगी, ये सारी जो मैं इस साइड पर सारी फेज़ होगी, इसे हम कहेंगे फार्मिंग फेज़, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फार्मिंग फेस, ठीक, और जहाँ से ये पिंच आउट हो रही है, यानी जहाँ पे बडिंग हो रही है, इसको हम मैचुरेशन फेज कह देंगे, क्या कह देंगे, मैचुरेशन फेज। सो यानी गोल्जी अपैरेटस को जनरली डिवाइड करें, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्टैक्ड फ्लैटेंड और इंटरकनेक्टेड है, इसकी दो फेसेस है, जहाँ पे एक से जिस तरफ से ये मटेरियल रिसीव कर रहा है, स्पेशली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एक जहाँ से इसकी बड आउट हो रही है, यही मटेरियल बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जहाँ पे रिसीव करा ये फार्मिक फेज़ में आ जाएगा, ठीक है, फेस लिखा ही नहीं मैंने, सो ये फार्मिक फेज़ हो जाएगा, और जहाँ से बाहर निकल रहा वो क्या हो जाएगा, मैचुरेशन फेज़। बहुत जनरल सी बात है, यानी ये स्टोर रूम है, जाहिर बात है खुद तो नहीं बना सकता ना कुछ, तो ये जो मटेरियल है वो रिसीव करेगा कहाँ से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये फिर आगे एक्सपोर्ट करेगा, सेल के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकता है, सेल से बाहर भी एक्सपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है, गोल्जी वेजिकल्स। सो ये तो था गोल्जी अपैरेटस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम इसको ज़रा और डिटेल में देख लेते हैं, मसलन इनका जो नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक, अब हम पुराने टॉपिक्स और नए टॉपिक्स को कंबाइन करके देखेंगे, कि यानी जो जो पीछे पढ़ चुके हैं उन सबके कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे। मसलन हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मैसेंजर आरएनए होता है जो कि डीएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा राइबोसोम्स के पास,
राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए को रीड करके प्रोटीन्स बनाएंगे, ये प्रोटीन्स जो सी हैं आगे इन्हीं चैनल से ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो प्रोटीन जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में आ जाएगी, ठीक। यानी ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है जो प्रोटीन्स को रिसीव है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल आके फ्यूज़ होगा इसकी फॉर्मिंग फेज़ में, ये आपको गोल्जी अपैरेटस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसकी फॉर्मिंग फेज़ में आके फ्यूज़ होगा और फिर ये इसमें ट्रांसपोर्ट होगा इसी तरह इस तरह, फिर आगे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी ये एक किस्म का क्या था हमारे पास, अच्छा अब हम यूनिट करें ना, ये सेंट्रल ऑफिस है, ये क्या है जी, फैक्ट्री का सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन यानी क्या क्या बनना है, कैसे कैसे बनना है, वो सारे के डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े होते हैं डीएनए की शक्ल में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, डीएनए, सही। सो डीएनए की शक्ल में डॉक्यूमेंटेशन होती है, सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ पे क्या होता है कि एक मैसेज बनता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, ठीक है, दिस इज मैसेज, ये मैसेज बाहर आता है वर्कर्स के पास और यहाँ पे जो मशीनें लगी होती हैं, मसलन इसमें जो मशीन है डेट इज राइबोसोम, ये छोटी छोटी आपको दाने नज़र आ रहे हैं, ये मशीन है जिसे हम क्या कहेंगे राइबोसोम्स, इसका पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं, इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री, यानी इसने प्रोटीन्स बनानी होती है, सही। सो ये मैसेज कहाँ पे आ गया, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इस मैसेज को रीड करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन्स। कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्रोटीन्स बनती हैं, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के ज़रिए प्रोटीन बनाएगा और फिर यानी मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास आएगा, राइबोसोम्स उसकी क्या बना देगा, प्रोटीन्स बना देगा, यानी मैसेंजर कम्स टू राइबोसोम्स, राइबोसोम्स उसकी प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन्स जो कि फिर पैक होंगी, ये आपको नज़र आ रहा है। सो ये प्रोटीन्स की पैकिंग हो रही है, प्रोटीन्स पैक होने के बाद कहाँ पे आएंगी, गोल्जी अपैरेटस के पास, गोल्जी अपैरेटस को हमने क्या कहा हुआ था भला, स्टोर हाउस, तो ये स्टोर हाउस में आके जमा हो जाएगी और स्टोर हाउस की ये जो शक्ल होगी, ये जो फेस होगी, इसे हमने क्या कहा था, फार्मिंग फेस, ठीक है, दिस वाज फार्मिंग फेस, सही। और फिर ये इसी के अंदर क्योंकि गोल्जी अपैरेटस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये इसी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी और ऐसा ऐसा किस तरफ आ जाएगी, सिस फेस को, अच्छा ये सिस फेस भी कहलाती है, सही, ये सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, अच्छा ट्रांस फेस को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, मैचुरेशन फेस, सही। सो मैचुरेशन फेस से ये बड आउट होगा और ये वेसिकल्स बन रहे हैं अगेन, सही, यहाँ पे भी वेसिकल बना, यहाँ पे वेसिकल, तो जो सेल्स के अंदर गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं ना, वो वेसिकल्स होती हैं, यानी गुब्बारे से होते हैं मेम्ब्रेन के, जिसके अंदर मटेरियल स्टोर करके आगे पीछे भेजा जा सकता है, सही। अच्छा ये क्यों ज़रूरी है भला, जाहिर बात है अगर मटेरियल हम यूं ही भेज देंगे तो किसी न किसी से रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो केमिकल है। सो अब जो बाहर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बहुत से केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, सो इसलिए इनकी पैकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक। जिस तरह अगर हमने कहा ना ये शू फैक्ट्री, हमने शू फैक्ट्री की एग्जाम्पल ली थी शुरू में, सो शू फैक्ट्री पहले तो इसके पार्ट्स बनाएगा, ठीक है, फिर पार्ट्स को, यानी सबसे पहले पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स लेदर के होंगे, कुछ उसमें आप कह लें कि कपड़ा इस्तेमाल होगा, पार्ट्स के बाद उनको असेंबल किया जाएगा, असेंबल के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किधर, स्टोर हाउस में, स्टोर हाउस में क्या होगी उसकी पॉलिश, पैकिंग, पैकिंग के बाद उसकी लेबलिंग भी होगी, यानी उनके ऊपर प्राइस टैग भी लगेंगे, सही, यानी या फिर उनका जूते का लेबल लगाया जाएगा जो अक्सर होता है उसके नंबर देखने के लिए, एक तो जूते के अंदर लिखा होता है ना, वो असेंबली के अंदर ही आ जाएगा। सो यानी पार्ट सबसे पहले बनेंगे, असेंबली होगी उनकी, असेंबली के बाद वो स्टोर हाउस में आएंगे, स्टोर हाउस यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस का काम कर रहा है, वो उसकी पॉलिश करेगा, उसकी पैकिंग करेगा, उसकी लेबलिंग होगी, सही। तो यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस भी यही काम कर रहा होता है, यानी जो मटेरियल उसे कहाँ से मिलेगा, यानी जो मटेरियल उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलेगा, वो उसको रिसीव करने के बाद उसको पॉलिश करेगा, उसकी पैकिंग करेगा, उसकी लेबलिंग करेगा, सही। सो उसके बाद उसे एक्सपोर्ट करने के लिए वेसिकल्स तैयार करके उसमें लोड करके उसे भेज देगा, सही, समझ आ गया। यानी इस तरह गोल्जी अपैरेटस सीक्रेशंस में काम करता है, सही।
ओके okay, अब हम इसका सिंगल लाइन के अंदर ज़रा फंक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मसलन सबसे पहले एमआरएनए आएगा, एमआरएनए कम्स फ्रॉम डीएनए, ठीक। एमआरएनए आएगा वो प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। यानी एमआरएनए जो प्रोटीन्स बनेगी यहाँ पे कौन बनाएगा भला, राइबोसोम्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे, इस प्रोसेस को हमने ट्रांसलेशन कहा था। सो एमआरएनए प्रोटीन्स बनाएगी, प्रोटीन्स कहाँ पे बने, यानी राइबोसोम्स के साथ क्या होता है, रफ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, ठीक है, इसे हम आर ई आर से प्रोनाउंस करते हैं। तो रफ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन्स को पैक करने के बाद कहाँ पे भेज देगी, गोल्जी बॉडीज में, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं, सही। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोटीन्स है ये अपनी फाइनल शेप में आएंगी, सही। यानी प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होगी, जिस तरह प्राइस टैग लगता है या फिर पॉलिशिंग होती है, तो इस तरह इसकी मॉडिफिकेशन होती है, सही। तो यानी ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को साथ अटैच कर देता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा या ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। मसलन इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, ईजी ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा, सही। फिर ये जो मटेरियल है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा आउट, इट विल बी एक्सपोर्ट आउट, एक्सपोर्ट हो जाएगा विद इन द सेल्स भी हो सकता है, आउट द सेल्स भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या यूज़ होंगे, वेजिकल्स, ठीक है। यहाँ पे भी वेजिकल्स यूज़ हुए थे, यहाँ पे भी वेजिकल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि एक्सपोर्टेशन में काम करें। यानी डीएनए से मैसेज आएगा मैसेंजर आरएनए के पास। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते थे, किसी को पता हो अगर, नहीं पता, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, राइबोसोम्स, और ये इस प्रोसेस को हमने ट्रांसलेशन कहा था। और ये प्रोटीन्स फिर आगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे गोल्जी बॉडीज के पास या गोल्जी अपैरेटस के पास, सही। गोल्जी अपैरेटस इनको स्टोर करेगा, सबसे पहले तो जाहिर बात है स्टोर हाउस है ये, तो ये स्टोर करेगा और फिर इसको आगे मॉडिफाई भी करता है, यानी मॉडिफिकेशन भी होगी इसकी, स्टोर करने के बाद मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइको यानी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना सकता है ये, और फिर ये वेजिकल्स की शक्ल में आगे एक्सपोर्ट कर देगा, सही। सो कहाँ से स्टार्ट लिया था, हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि जी लेट्स सपोज वी हैव अ शू फैक्ट्री, शू फैक्ट्री में क्या था कि हमने कहा जी एक प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें, मसलन यहाँ पर लेदर वगैरह, यहाँ पे लेदर वगैरह जो है वो यूज़ होगा और वो फिर उसके पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा स्टोर रूम में। स्टोर रूम में इसकी लेबलिंग होगी, ठीक है, इट विल डू लेबलिंग, इसकी पैकिंग होगी, इसको पॉलिश किया जाएगा और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो लेबलिंग, पैकिंग और स्टोर करने का काम या फिर पॉलिश करने का काम, ये गोल्जी अपैरेटस का होता है सेल के अंदर, ठीक। फिर हमने कहा चलें जी हम गोल्जी अपैरेटस का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगी, अब हम बात करते हैं कि ये होते किस तरह के हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात की कि एक साइंटिस्ट था कैमलियो गोल्जी, इसका नाम था, और इसने 1898 के अंदर एक गोल्जी अपैरेटस डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि जी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं और ये सिक्रीशंस बनाते हैं, सही। उस टाइम के लिए जिस टाइम डिस्कवरी उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी। फिर ऐसा ऐसा इस पर स्टडीज़ हुई कि क्या हिसाब किताब होता था, पता लगा जी कि ये सिर्फ यूक्रियाटिक सेल्स में होते हैं, ठीक है, दे आर ओनली प्रेजेंट यूक्रियाटिक सेल्स, और ये स्टैक्ड होते हैं दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, फ्लैटन यानी पिचके हुए होते हैं, और फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, सो मेम्ब्रेन बाउंडेड, और फिर हमने इस मेम्ब्रेन का नाम सिस्टर नाइन रखा था आगे। खैर ये सारा अपैरेटस गोल्जी अपैरेटस कहा गया, ये सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होगा जिसे हम सेलुलर एक्सपोर्ट भी कहते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में। फिर हमने थोड़ा सा रफ़ आइडिया लिया इसका, ये शेप तो बनी है, इसकी रफ़ आइडिया किस तरह लिया, मसलन हमने कहा जी के पिछले लेक्चर्स का, जिस तरह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम्स के साथ अटैच होती हैं, या राइबोसोम जिसके साथ अटैच होते हैं, वो प्रोटीन्स बनाएंगे, वो इन्हें प्रोवाइड करेगा इस तरह, ठीक है, यानी ये यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाएगी और फिर ये अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, फिर बर्डिंग होकर वो एक्सपोर्ट आउट हो जाएगी, सही। फिर हमने कह दिया कि जहाँ पे इसकी फ्यूजन हो रही है, जहाँ पे वेसिकल्स आके फ्यूज़ हो रहे हैं, ये इसकी फार्मिंग फेस हो जाएगी, और जहाँ पे ये कह लें कि बडिंग हो रही है या एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इसकी मैचुरेशन फेज हो रही है। इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ा हमने कि क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए होता है कि जो कि डीएनए में मौजूद होता है, डीएनए से
सेंट्रल ऑफिस जो कहलाता है, सेंट्रल ऑफिस से इसका मैसेज आएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाने के बाद उसे वेसिकल्स में पैक करके भेज देंगे किधर, स्टोर हाउस में, यानी दिस इज द स्टोर हाउस। ठीक जी, तो ये स्टोर हाउस में से भेज देंगे, ये नज़र नहीं आ रहा तो हम कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते, मतलब दिस इज स्टोर हाउस, सही। और ये क्या हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा भला, प्रोडक्शन यूनिट, यानी ये चीज़ें प्रोड्यूस करा करेगा, प्रोडक्शन यूनिट जो भी है। सो प्रोडक्शन यूनिट से स्टोर हाउस में चीज़ आ जाएगी, स्टोर हाउस से थोड़ी देर स्टोर रखेगा और उससे फाइनली कन्वर्ट करेगा, इसको पॉलिश करेगा, यानी कंजुगेट करना जिसे कहते हैं, यानी ग्लाइको प्रोटीन्स, ग्लाइको लिपिड्स बनाएगा और फिर ये वेसिकल के जरिए ही बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। इट विल एक्सपोर्ट इन टू द सेल, सेल्स के अंदर भी एक्सपोर्ट हो सकता है या फिर आउट ऑफ द सेल्स। तो ये शू फैक्ट्री की एग्जाम्पल इस पर बहुत अच्छी बैठती है। फिर उसके बाद हमने एक सिंगल लाइन में सिर्फ कोशिश की इसका प्रोसेस डिफाइन करने की। सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, फिर इस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम्स रीड करेंगे और इसका क्या बना देंगे, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट करके किधर, गोल्जी बॉडीज में, यहाँ पे वेसिकल्स यूज़ होते हैं, गोल्जी बॉडीज स्टोर हाउस है, उसे स्टोर करेगा या फिर इसे मॉडिफाई करेगा, लाइक ग्लाइको प्रोटीन्स बना देगा या ग्लाइको लिपिड्स बना देगा, फिर इसे एक्सपोर्ट करेगा वेसिकल से। सो एक्सपोर्ट ये कौन सा सेल के अंदर भी हो सकती है, विद इन द सेल्स, या आउट ऑफ द सेल्स भी एक्सपोर्ट हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। तो अगले चैप्टर्स के अंदर हम मजीद सेल्स के स्ट्रक्चर लाइक लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ेंगे।